हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शायन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप घर पे हेयर वैक्स कैसे बना सकते हो। जैसे कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही रिक्वेस्ट आता है कि घर पे हेयर वैक्स कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। कि अभी मार्केट में जो है बहुत सारा हेयर प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत सारा हेयर वैक्सेस मिल रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल कॉन्टेंट है, हमारे स्कैल्प को ड्राई एंड हेयर को डैमेज करता है। एंड जिसके वजह से कुछ दिनों बाद ही बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि कुछ दिन से वैक्स यूज़ किया एंड कुछ दिन बाद ही जो है हेयर फॉल उनका स्टार्ट हो गया एंड हेयर ग्रेइंग होने लगा, ये सब प्रॉब्लम होने लगा। सो गाइस, इसीलिए मैंने सोचा कि होममेड हेयर वैक्स के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं ये बताऊंगा कि घर पे कैसा हेयर वैक्स बना सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही कम खर्च में। एंड उसको आप अपने हेयर पे लगाने के बाद हेयर पे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हेयर कुछ भी डैमेज नहीं होगा एंड बहुत अच्छा होल्ड मिलेगा, साइन मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आपको जानना है कि आप घर पे हेयर वैक्स कैसे बना सकते हो, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड कुछ भी बात है तो कॉमेंट्स में लिखना। एंड मेरे एफ बी एंड इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाओ, मुझे फॉलो करो, कुछ भी बात तो DM करो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, हेयर वैक्स का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है बीस वैक्स। सो गाइस, बीस वैक्स के अलावा हेयर वैक्स बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। तो मैंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स यही लिया है, बीस वैक्स, ये मैंने अमेजोन से परचेस किया है। तो गाइस, आपको ये खरीदना है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एंड गाइस, यहाँ पर सेकंड इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ऑयल, जो मैंने यहाँ पर लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो गाइस, आप कोई भी रेगुलर जो यूज़ करते हो घर पर वही यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस, थर्ड इंग्रेडिएंट्स है एक अच्छा सा परफ्यूम। गाइस, अब जब हेयर वैक्स को अपने हेयर पे लगाओगे तो अच्छा फ्रेग्रेंस भी आना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर मैं इस मैक परफ्यूम को लिया क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो गाइस, इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, आपको ये खरीदना है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रस्ट मी गाइस, इसका स्मेल बहुत अच्छा है। सो गाइस, इसको प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेप है जो बीज वैक्स है इसको पील ऑफ कर लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसको जो है मेल्ट करना है, हीट देके इसको पिघलना है। तो इसलिए जो है इसको जो है मैं थोड़ा थोड़ा पील ऑफ करके ग्लास बोल में रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी का वैक्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें मैं कुछ भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालूंगा। तो प्रिजर्वेटिव के अलावा ये ज़्यादा दिन तक मैं प्रिजर्व करके नहीं रख सकता हूँ। तो एक हफ्ते के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइस, एक हफ्ते तक जितना तक मुझे चाहिए उतना ही क्वांटिटी का मैं बनाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 20 वैक्स जो है वो कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ पर इंडक्शन ओवन या आप नॉर्मल गैस ओवन में भी कर सकते हो। इंडक्शन ओवन पे एक मेटल का बोल लिया है मैंने एंड उस पर पानी दिया है, देन उसको जो है थोड़ा सा बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपको उसका बोल है वो जिसमें मैंने 20 वैक्स लिया था उसको यहाँ पर देना है एंड डबल बॉयलिंग प्रोसेस से जो है इसको मेल्ट करना है। एंड 20 वैक्स जो है धीरे धीरे पिघलने लगेगा, जब पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाए देन गाइस आपको कोकोनट ऑयल इसमें ऐड करना है। तो गाइस, यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा साइनी ऑयली से फिनिश नहीं चाहिए। आपको ज़्यादा साइनी एंड ऑयली से फिनिश चाहिए तो गाइस आप कोकोनट ऑयल जो इसको ज़्यादा मिक्स कीजिए, पर मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे हार्ड सा लुक चाहिए एंड ज़्यादा साइनी चाहिए, मैट सा लुक चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल कम ही दे रहा हूँ, इससे हार्ड होल्ड मिलेगा। तो गाइस, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये पूरी तैयार हो गए हमारा वैक्स। तो गाइस, यहाँ पर फ्रेग्रेंस के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैक परफ्यूम। तो यहाँ पर मैंने फ्रेग्रेंस के लिए इसको थोड़ा सा दे दिया, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो एक छोटा सा कंटेनर पे इसको प्रिजर्व करके रखना है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया एंड कुछ टाइम बाद ये एकदम जम गया है एंड हमारा जो वैक्स है ये बिल्कुल रेडी है। इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते क्योंकि प्रिजर्वेटिव मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला। तो एक हफ्ते तक आप यूज़ कीजिए फ्रीजर करके, नेक्स्ट फिर से बनाइए फिर यूज़ कीजिए। गाइस, ये एकदम मतलब हेयर को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, हेयर पे कुछ भी हेयर लॉस नहीं होगा, हेयर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम अच्छे से काम करेगा एंड हाई होल्ड भी देगा जैसे कि मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, चलते हैं एंड यूज़ करके देखते हैं इससे कैसा रिजल्ट आता है। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because सब लोगों ने देखा कि इस वैक्स को यूज़ करके जो है हेयर पे बहुत ही अच्छा हार्ड होल्ड मिलता है एंड इसका
टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है एंड इसको यूज़ करने के बाद अपने हेयर को जो बहुत ही अच्छा आप एक स्टाइल दे सकते हो। तो गाइस आपको ये बनाना है तो ज़रूर बनाइए घर पे एंड ये बहुत ही अच्छे से वर्क्स करता है। इस वीडियो में मैंने जितना भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया है सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप बस इसको ऑर्डर कर सकते हो। एंड गाइस सो गाइस आई होप इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड कुछ भी बात है तो कॉमेंट्स पर लिखो। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ऐसे ही और भी अच्छा अच्छे DIY चीज़ें देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड मेरे FB इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाओ फॉलो करो, कुछ भी बात है तो DM करो, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।